हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए हम 2.25 मीटर फैब्रिक लेंगे। जो सूट के साथ फैब्रिक आता है उसी से मैं ये बना रही हूँ। आप अलग से भी 2.25 मीटर ले सकते हैं, इसमें आपका पैंट अच्छे से बन जाएगा। तो इसकी जो प्लाजो पैंट की लंबाई रखनी है वो मुझे 40 इंच रखना है। तो बॉटम इसका हम 4 इंच अंदर से फोल्ड करेंगे। तो सबको मिला करके हमको जितना फैब्रिक चाहिए था उस पर हम एक निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसका पूरा आपको क्लियर करके बताती हूँ। 4 इंच मैंने बॉटम के लिए नीचे से रख लिया है, इसे मैं फोल्ड करूंगी अंदर के। और आपके पास अगर फैब्रिक कम है तो आप कम भी रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से नापेंगे तो हमें 40 इंच चाहिए, तो 40 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच इसके बेल्ट के लिए लेंगे और एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसका हिप का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा हिप का नाप है, जहाँ पे हम बेल्ट पहनते हैं उससे नीचे के नाप लेना है। तो जितना भी हमारा हिप का साइज है उससे हम चौथाई हिस्सा कर लेंगे और प्लस उसमें हम 1.5 इंच ऐड कर लेंगे। तो मेरे में हिप का जो साइज है वो 38 इंच है। तो 38 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 9.5 इंच, और उसमें हम प्लस कर देंगे 1.5 इंच। टोटल 11 इंच हो जाएगा। जो भी आपका हिप का साइज है उसको आप 4 से डिवाइड कर ले और प्लस उसमें 1.5 इंच कर ले। अब हम आसन का जो निशान रखेंगे वो कमर के हिसाब से रखेंगे। तो कमर हमारा 32 इंच है, तो 32 का चौथाई हिस्सा 8 इंच, और 8 में हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। यहाँ भी हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो 9.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, 9.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद हम 2 इंच क्रोच एरिया के लिए ले लेंगे। उसके बाद हम यहां से पूरा मेजर कर लेंगे और आधा हिस्सा निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, कहीं भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, जो हमारे बैक मेरे साइड में था उस फैब्रिक की कटिंग हम नहीं करेंगे। बैक वाले पार्ट को भी अच्छे से सेट कर लेंगे और हम फ्रंट वाले पार्ट को उस पर बैठा देंगे अच्छे से। उसके बाद हम 2 इंच क्रोच एरिया के लिए इसमें भी लेंगे और 1.5 इंच पे हम नीचे तक निशान लगा देंगे। 2 इंच हमें क्रोच एरिया के लिए लेना है और 1.5 इंच पे हमें नीचे तक निशान लगा देना है। उसके बाद हमें आसन के साइड से 1.5 इंच उठा के कट करना है।
और पहले वाला जहाँ क्रोचरिया था वहाँ से एक लाइन खींच देना है। और आसन के अपने साइड से जो मैंने रखा है बिल्कुल बराबर रखा है, और बस आसन के साइड से हमें 1.5 इंच उठा के कट करना है। ये 1.5 इंच उठा के इसलिए हम कट करते हैं कि ताकि हम जब बैठते हैं तो हमारा पैंट खींचता नहीं है, इसलिए हम 1.5 इंच ऊपर उठा के कट करते हैं। अब हम इस सेब पट्टी से इसकी भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं अपनी साइड में, जो मेरे साइड का हिस्सा है उसे भी अब मैं कट कर दूंगी, दोनों को एक साथ रख करके। इससे क्या होता है आपका फैब्रिक आगे पीछे नहीं होता है, एक साथ में ही कट जाता है, तो इसलिए हम पहले वाले जो फ्रंट वाला पार्ट था उसमें इसकी कटिंग नहीं कर रहे थे। तो देखिए हमारा पैंट कट चुका है फ्रेंड्स। अब हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो पॉकेट की जो कटिंग करना है, एक साइड से हमें 6 इंच रखना है और इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच रख लेंगे। मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैं इसे कट करके अलग कर दूंगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और जिस साइड से हम 6.5 इंच लेंगे उस साइड से हम गोलाई दे देंगे। बस यही सिंपल सी कटिंग है इसकी। तो चलिए अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट वाले पार्ट में हम पहले आसन की सिलाई लगा लेंगे और इसमें हम आसन की सिलाई डबल लगाएंगे। जब भी आप आसन की सिलाई लगाएं डबल में लगाएं। तो ये हो चुका है देखिए। अब हम बैक वाले पार्ट में भी आसन की सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि मैंने फ्रंट वाला में डबल लगाया है तो बैक वाला में भी डबल ही लगाऊंगी। उसके बाद अब हम पॉकेट की सिलाई कर लेंगे। तो पॉकेट की सिलाई जिस साइड से हमारी गोलाई वाला हिस्सा है उसी साइड को सिलना है। उसके बाद इसको खोल करके फिर हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा पॉकेट में फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए हमारा पॉकेट रेडी हो चुका है। पॉकेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी आपको फ्रेंड। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को ले लेंगे और जिस साइड भी आपको पॉकेट लगाना है, ज़्यादातर राइट साइड में पॉकेट लगाते हैं। उसके बाद ऊपर से हम 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से हमें 3 इंच पे लगाना है, उसके बाद 3 इंच को छोड़ते हुए हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देना है जैसे मैंने किया उसी तरह से। अब आपको पॉकेट को सीधा रख देना है, गोलाई का हिस्सा नीचे तरफ रखना है और इस तरह से खोलते हुए एक हिस्से को आपको छोड़ देना है और सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हम एक कट लगा देंगे दोनों साइड से और नेल को स्क्रेच करते हुए स्क्रेच कर देंगे नेल से और उस पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से पकड़ते हुए दोनों पॉकेट को दोनों साइड से और उस पर हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि जब हम बैक और फ्रंट को ज्वाइंट करें साइड की साइड में तो हमारा पॉकेट दबे नहीं। अब हम बैक और फ्रंट दोनों को साइड वाला सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पॉकेट के साइड से सिलाई लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पॉकेट पे सिलाई नहीं लगे, नहीं तो जिसमें आप जिस पॉकेट में जैसे हाथ डालते हैं वो हिस्सा ना सिल जाए, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद हम दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट के लिए फोल्ड कर लेंगे। 2 इंच जो हमने बेल्ट के लिए ऊपर से छोड़ा था जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे, तो ये फुल्ली इलास्टिक पैंट है फ्रेंड्स। और इसमें पूरे में हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। और
थोड़ा सा हिस्सा हम खुला छोड़ देंगे जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से मैं इसमें इलास्टिक भी डाल लूँगी, क्योंकि ये फुली इलास्टिक है तो पूरे में हमें इलास्टिक ही डालना है। इलास्टिक पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। चार पांच बार इसे मजबूती के साथ सिलाई लगा लें। उसके बाद जो हमारा खुला हुआ हिस्सा था उस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे और इसको खींचते हुए पूरे में बराबर से ले लेंगे। उसके बाद खींचते हुए इस पे सिलाई लगाना है। अगर आप इसे नहीं खींच के दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे तो कपड़े पे सिलाई लग जाएगी, तो फिर ये इलास्टिक खुलेगा नहीं, तो इसलिए हम इसे खींचते हुए सिलाई लगाते हैं। तो देखिए हमारा ये हो चुका है। अब हम इसकी बॉटम को फोल्ड कर देंगे। तो बॉटम में जितना भी हिस्सा हमें चाहिए पहले इसका आप मेजर ले लें। कम ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप इसका लेंथ अच्छे से मेजर कर लें, उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे बॉटम की साइड से, इस तरह से रख करके पूरा। जब पैंट तैयार हो जाए तो लास्ट में हम बॉटम बनाते हैं। तो बॉटम बनाने समय आप एक बार पैंट से मेजर कर लें कि आपका कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा अगर चाहिए तो इसे कम फोल्ड करें, कम चाहिए तो इसे ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद दोनों में हमें इसी तरह से करना है। तो ये हमारा बॉटम भी रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें सारे 6 इंच का इसे रखना है, बॉटम नीचे से खुला, तो हम सारे 6 इंच पे इस पे निशान लगा लेंगे। और देखिए हमने पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमारा प्लाजो पैंट। आई होप आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।